भीलवाड़ा की समस्त छात्र शक्ति छात्र अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले छात्र गर्जना के माध्यम से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के द्वारा राज्यपाल महामहिम के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी 8-10 मांगे थी, उनमें से प्रमुख मांग ये है कि राजस्थान में पिछली 16 भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार मुख्य आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ रही है। कल के किसान सभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और कांग्रेस विधायक ने खुद ने यह बयान दिया है कि यह सरकार मछलियों को पकड़ रही है और बड़े मगरमच्छों को छोड़ रही है। इससे बड़ा इस चीज़ का और कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं हो सकता है। राजस्थान में कई बार प्रदर्शन हुए हैं, कई बार उग्र आंदोलन हुए हैं, हमने ऐसी मीडिया के माध्यम से समाचार भी सुने हैं कि कुछ छात्रों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर दी है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है और दिन ब दिन सब विद्यार्थी हमारे ओवर एज होते जा रहे हैं। मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी बहनें पढ़ रही है, दूसरे मित्र भी लोग भी पढ़ रहे हैं। जब माता पिता मेहनत करते हैं रात दिन तो उसकी सारी कमाई मिट्टी पलीत हो रही है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सब लोग राज्यपाल महोदय के निवेदन किया और सरकार से मांग की, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो समस्त छात्र शक्ति द्वारा भीलवाड़ा में शैक्षणिक बंद करके आगामी योजना बना के और बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा।